हेलो, माय सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आयनिक सॉलिड्स में आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं वो कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कि आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरीके से दूसरे परमाणु को देता है, यानी आयनिक बंध एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। यानी एक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा परमाणु ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उस परमाणु का कोई अधिकार नहीं होता है त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन पर, जबकि ग्रहण करने वाले परमाणु का पूर्ण अधिकार होता है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन पर, जिससे कि आयंस का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन के त्यागने से परमाणु धनायन बनाता है, जबकि ग्रहण करने पर ऋणायन का फॉर्मेशन होता है, और धनायन और ऋणायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वैद्युत आकर्षण बल, जो कि जिसे कि हम एक आयनिक बंध कह देते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इसका यदि हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन एटम आपस में यदि रिएक्ट करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे कि सोडियम धनायन में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन एटम त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और ऋणायन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सोडियम धनायन बनाता है जबकि क्लोरीन एटम ऋणायन बनाता है, और उनके बीच में धनायन और ऋणायन एक विपरीत आवेश है, जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम कई प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे कि सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उसका ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है। यानी सोडियम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि ये त्याग देता है तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जबकि क्लोरीन एटम के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और यदि एक इलेक्ट्रॉन और ये ग्रहण कर ले तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जो एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वह उतनी ही आसानी से धनायन बनाता है, जबकि ऐसा एटम जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले वो ऋणायन बना लेता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो विद्युतधनी होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि वो आसानी से धनायन बना लेता है, जबकि जो ग्रहण करने वाला एटम, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला जो एटम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है बल्कि ग्रहण कर लेता है। यानी जो त्यागने वाला एटम है वो एक धातु की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना एक धात्विक परमाणु की प्रकृति होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी अधात्विक प्रकृति होती है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे सोडियम क्षारीय धातु है, एक प्रकार का सोडियम जो है वो क्षारीय धातु में आता है,
जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी के सभी क्षारीय धातु है। इसके अलावा क्षारीय मृदा धातु है ना, और मतलब कि जिसमें जो एटम जितना विद्युत धनी होता है वो उतनी ही आसानी से धनायन बना लेता है। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सभी मेटल्स में आते हैं क्योंकि ये धनायन बनाते हैं इजीली। और कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के पश्चात कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है वह उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी वैद्युत संयोजकता एक है। एल्यूमिनियम है वो तीन इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए इसकी वैद्युत संयोजकता तीन है, एल्यूमिनियम की एक भी होती है वैसे। और जैसे मैग्नीशियम है इसकी दो है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की दो होती है, लेकिन जनरली एल्यूमिनियम की संयोजकता तीन होती है क्योंकि यह तीन इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के समरूप हो जाए, यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान हो जाए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम देखते हैं कि जो आयनिक यौगिक हैं उनके क्या लक्षण हैं। अब आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि एक प्रबल आकर्षण बल है। इस वजह से ये ठोस अवस्था में होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं। इस वजह से ये इनकी जो आयनिक ठोस होता है उनमें आयनों का अरेंजमेंट एक निश्चित क्रम में होता है, यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं वो उनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। अरेंजमेंट क्या कैसा होता है, सिस्टमैटिक होता है, इस वजह से इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। ये समरूपता दर्शाते हैं। समरूपता कैसे कि समान संरचना के लवणों को समरूप व इस प्रक्रिया को समरूपता कहते हैं। जिनकी संरचना समान होती है वो समरूप कहलाएंगे। आयनिक यौगिक जिनके धनायन तथा ऋणायन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो सामान्यतः क्या प्रदर्शित करते हैं, समरूपता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जैसे सोडियम फ्लोराइड में सोडियम Na प्लस के रूप में है और फ्लोरीन फ्लोराइड या F माइनस के रूप में है। तो सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-8, जबकि फ्लोराइड का भी 2-8 है। और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम आयन यानी Mg प्लस 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6 होता है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड यानी O माइनस 2 में है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो जाएगा। तो यानी इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धनायन धनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान है और ऋणायन ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान है, यानी इनकी जो संरचनाएं हैं क्रिस्टलीय ठोस संरचना वो समान होती है, और इसी को ही हम आइसोमॉर्फिज्म या समरूपता कहते हैं। द
धनायन और ऋणायनों के बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो ये ठोस अवस्था में इसलिए होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में होते हैं। अब ठोस अवस्था में होते हैं और इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से इन में अवस्था परिवर्तन करना आसान नहीं होता है, अधिक एनर्जी चाहिए, अधिक हीट चाहिए, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यदि हम दें, हीट या एनर्जी बहुत ज़्यादा दें जिससे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, तब जा कर के इनमें अवस्था परिवर्तन होता है, यानी ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में बदलते हैं। इसका मतलब इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत उच्च होता है, हाई होता है। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो आयन्स बनाते हैं, यानी और तो इसका मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ऐसे विलायकों में घुलते हैं जो कि पोलर हो या ध्रुवीय हो, जिनके जैसे कोई सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हो, पोलर हो, वो आंशिक आयनिक कैरेक्टर्स हो उसमें, जैसे वाटर है, अमोनिया है, ये ध्रुवीय विलायक की कैटेगरी में आते हैं। तो आयनिक यौगिक ऐसे विलायकों में घुलनशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक जिनमें कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है, जैसे कि बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये अध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। अध्रुवीय विलायकों में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विलेय नहीं होते, अविलेय रहते हैं। आयनिक जो ठोस होते हैं सॉलिड्स, उनमें क्या होते हैं, जो धनायन होता है वो ऋणायन से घिरा होता है और ऋणायन धनायनों से घिरा होता है और मूव नहीं कर सकता। आयन तो होते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते, इस वजह से ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन विलयन में आयन्स मूवेबल हो जाते हैं, या गलित अवस्था में यदि उनको मेल्ट कर दिया जाए आयनिक यौगिकों को तो आयन्स मूव कर सकते हैं, चार्ज मूव कर रहा है, इस वजह से इस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होंगे। यानी गलित अवस्था या विलयन अवस्था में, जैसे मान लीजिए नमक है, उसको सॉल्ट है या NaCl है, वो ठोस अवस्था में तो क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा, उसमें चालकता ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। जबकि उसको यदि हम वाटर में डिसॉल्व कर दें या उसको गलित अवस्था में मेल्ट कर दें उसको, तो उस कंडीशन में वो सुचालक होता है, कौन, NaCl। अब हम समन्वय संख्या देखते हैं। समन्वय संख्या क्या होती है कि कोई धनायन अधिकतम कितने ऋणायनों से घिर सकता है, या कोई ऋणायन अधिकतम कितने धनायनों से घिर सकता है, यानी आयनिक यौगिक में कोई आयन जितने अधिकतम संभावित विपरीत आयनों, धनायन है तो ऋणायन से घिरा होगा और ऋणायन है तो वो धनायनों से घिरा होगा, संभावित विपरीत आयनों से घिरा होता है, वह संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या को हम ऐसे दर्शाते हैं कि ऋणायन, कोई धनायन है, उस धनायन के चारों तरफ कितने ऋणायन अधिकतम हो सकते हैं वो उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी, और ऋणायन के चारों तरफ अधिकतम कितने धनायन आ सकते हैं वो उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। जैसे कि अब कई संरचनाएं होती है, जैसे चतुष्फलकीय या जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो समन्वय संख्या होती है वो चार होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में छः होती है,
जबकि क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 होती है। ये समन्वय संख्या है। अब समन्वय संख्या धनायन और ऋणायन के साइज पर डिपेंड करती है, साइज बोल दो या रेडियस बोल दो। भाई साइज बड़ा होगा अगर रेडियस बड़ी होगी तो, और रेडियस कम है तो उसका साइज भी छोटा होगा। तो धनायन और ऋणायनों की जो आयनिक त्रिज्या है, एटॉमिक त्रिज्या नहीं, आयनिक त्रिज्या है, उस पर समन्वय संख्या निर्भर करती है। भाई कोई जैसे मान लीजिए कि कोई धनायन है उसका साइज ज़्यादा बड़ा है, तो उसके चारों तरफ जो ऋणायन है वो अधिक संख्या में आ सकते हैं, जबकि यदि उसका साइज छोटा है धनायन का तो कम ऋणायन उसको घेरेंगे। तो और ऋणायन का साइज भी डिपेंड करेगा, यानी धनायन और ऋणायन दोनों की आयनिक त्रिज्या, दोनों की जो त्रिज्याएं हैं उस पर निर्भर करती है कि समन्वय संख्या क्या होगी। इसको हम त्रिज्या अनुपात के रूप में दर्शा सकते हैं। त्रिज्या अनुपात क्या होता है? त्रिज्या अनुपात धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। मतलब कोई आयनिक ठोस है उसमें धनायन है और ऋणायन है, तो धनायन की त्रिज्या कितनी है और ऋणायन की त्रिज्या कितनी है, उसका जो अनुपात होता है वो ही रेडियस रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात।